मैं कौन सी लड़ाई की बात कर रहा था? बांग्लादेश की। करेक्ट। जब जनरल अरोरा ने आपको टेलीग्राम देकर बुलवाया था। करेक्ट करेक्ट। देखिए, शादी की पहली रात और दरवाजे पर दस्तक, नाक नाक नाक। लेकिन नाक, आप तो ये पहले भी बता चुके हैं कि शादी की पहली रात दरवाजे पर दस्तक, नॉक नॉक नॉक। आपने दरवाजा खोला, ये सोचा कि आपकी बीवी होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सस्पेंस, बीवी नहीं थी, तार वाला था। ओ, मैं ये पहले बता चुका हूँ जी, मैं अभी आया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आगे तो बताइए। आगे तो खैर, इट्स अ हिस्ट्री, सबको मालूम है। तार मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था पी के भंडारी फौरन चले आओ फ्रंट पर, अगर तुम नहीं आए तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। जनाब, कश्मकश देखिए, एक तरफ नई नवेली दुल्हन बैठी है और दूसरी तरफ देश का फर्ज मुझे पुकार रहा है। तो आप लड़ाई छोड़कर बीवी के पास रह गए? नेवर, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री। पी के भंडारी अगर बहादुरी की परंपरा भूल जाए तो इस देश का क्या होगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पीके भंडारी की। भंडारी साहब, जरा आगे भी बताइए ना। आज ही आगे क्या होना था, हम फ्रंट पर पहुंच गए और गोलियां चल रही थी, इधर गोली उधर गोली, यहाँ गोली वहाँ गोली, लेकिन बहारे मेजर भंडारी, वाह, दिल में बीवी का प्यार और हाथ में तलवार। तो आप तलवार लेकर लड़ाई लड़ने गए थे? अरे नहीं बरखुरदार, ये तो मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि हाथ में स्टेन गन थी और गोलियां चल रही थी। क्या बदतमीजी है। लेकिन साहब, कहानी खत्म नहीं हुई। अरे कहानी खत्म नहीं हुई है। हेलो, आ गई तू? तू आई? नहीं, तेरी? मेरी भी नहीं। हेलो 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 हेलो, यही है ना वो दो गुंडे जो तुम्हें तंग कर रहे थे जी? गुंडे? हम आपको गुंडे नजर आ रहे हैं। शराब, तुम से विनोद कौन है? विनोद कौन है? विनोद विनोद कोई भी नहीं। अशोक कौन है? अशोक अशोक भी कोई नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ओमनाथ। सोमनाथ। ओमनाथ सोमनाथ, यहाँ क्या कर रहे थे? हम पौधों की रिसर्च कर रहे थे। नौ नंबर बस का टाइम हो गया, चले। अरे तुम लोग बस में नहीं, तुम लोग हमारे साथ सीधे जीप में चलोगे। आप घर नहीं, तुम्हें बड़े घर छोड़ देंगे। सीरियस है आप? तो हाथ की रेखा देखिए। मैंने कहा ना सीधे मेरे साथ चलो। सबका पता नहीं, आगे से ऐसी हरकत नहीं करना। बिल्कुल नहीं जी, सीधे चले जाओ यहाँ से। चलो ये भी लीजिए, सीधे चले जाओ, सीधे सीधे। अब तो बस में ही जाना पड़ेगा, पेट्रोल के पैसे ले लिए इसने। पीछे नहीं, आगे। भाग भाग, पैदल चलेंगे। हालत देखिए अपने आशिकों की, लड़कियां बहुत अच्छी थी। स्टुअर्ट, दो लार्ज बिस्किट लाओ। ड्राई डे है। दो चाय लाओ। दो नहीं, तीन। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, चाय नहीं पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे, पिलाएंगे। हाँ पिलाएंगे। अरे तीन चाय लाओ। तीन नहीं, चार। क्यों भाई, चाय भी नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे जी, पिलाएंगे। हाँ पिलाएंगे। चाय लाओ, चाय चाय चाय। चार नहीं, हाँ सुना नहीं तुमने? चार नहीं, पांच। पांच जय, पांच पांच चाय लाओ भाई। कुछ मिठाई उठाई खाएंगे आप? सिगरेट पियेंगे बाद में। एक्सक्यूज मी सर, अब आपको और क्या चाहिए? देखिए, हमने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया। जी बिल्कुल बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, अलबत्ता हमने एक दूसरे को हाथ जरूर लगाया है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता जी। आप लोगों को लड़कियां फंसानी भी नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं आप, हम आपको लड़कियां फंसाने वाले नजर आते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम निहायत ही शरीफ आदमी हैं। जी हाँ। वो तो मैं अभी बताता हूँ। अबे तू, तुम लोगों का काम हो गया। आप मुझे बता सकते हैं आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पीछा? नहीं तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप बम्बई जा रही हैं। जी हाँ, बम्बई जा रही हूँ। और कुछ? आप बम्बई जा रही हैं, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ, और ये ट्रेन भी बम्बई जा रही है, इत्तेफाक की बात है। आप दिल्ली से आ रही हैं, मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, और ये ट्रेन भी दिल्ली से आ रही है, इत्तेफाक की बात है।
और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे पिताजी दिल्ली में हीरो का व्यापार करते हैं, डायमंड्स। जरूर करते होंगे, बेहतर है कि आप अपने पिताजी के पास जाके बैठिए। अगर पिताजी के पास जाकर बैठना होता और उनकी बात माननी होती तो इस तरह भाग कर क्यों आते? भाग के? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि मेरे जो फादर है ना, बहुत लालची आदमी है। वो पैसों की खातिर मेरी शादी एक बकवास लड़की से कर देना चाहते थे, और मैं पैसों को मारता हूँ अपनी जूती की नोक पर। उन्हें चाहिए पैसा और मुझे चाहिए एक अच्छी सी लड़की। आपने किसी लड़की से इश्क किया है क्या? धत तेरे की, माय बैड लक। आजकल ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं? जो भी मिलती है वो मेरे पैसे को देखती है, और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे मैं देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। अरे जजमान, आप बाहर खड़े हैं, अंदर प्रवेश क्यों नहीं करते? आपकी घड़ी तो बड़ी शुभ है। ओए लाले जी जान, हम तो प्रवेश करना चाहता है पर ये बंद है। ओहो, राहु केतु अंदर होंगे, आपका शरीर बहुत खराब है। हरिओम। हरिओम। टीसी नहीं है, चल। ये वही है। क्या है, आप इसे क्यों ताक रहे हैं? आपसे क्या, ये मेरे मजहब की मानने वाली लड़की है। ये मेरे धर्म वाली लड़की है? जी नहीं, ये मेरे मजहब की है। वो कैसे? नाम से जाहिर है, इसका नाम राम कली है। नाम से तो हिंदू है, इसके नाम में राम है। जी नहीं, इसका नाम राम कली है, ये मुसलमान है। जैसे अनारकली, अनारकली मुसलमान थी। आप तारीख जानते हैं? हिस्ट्री को कुछ समझ है आपको? अरे क्या हिस्ट्री की बात कर रहे हो, तुमको संगीत का ज्ञान है? राम कली राग हिंदू ने बनाया था, इसलिए राम कली हिंदू है। खामोश है आप। जिस वक्त राग राम कली वजूद में आ रहा था तो आप क्या पैदा हो रहे थे? तो क्या आपका बाप पैदा हो रहा था? खामोश है, खामोश रहिए। तुम्ही से बात की। होल्ड, आई सेड होल्ड। शांति शांति। कहा है? माई गॉड, आई एम टॉकिंग ऑफ पीस, पीस। मेजर भंडारी। खादी भंडार वाले? नो, मेजर भंडारी थ्रू UNO। आई डोंट नो, मैं समझाऊंगा आपको बाद में। मैडम, अगर ज्यादा देर आप इन दोनों के बीच में बैठी रहीं, तो हिंदू मुस्लिम फसाद होने का खतरा है। हाँ, आप मेरे साथ आइए। वैसे बाय द वे, आपका मजहब है क्या? मैं मजहब अजहब को नहीं मानता, मगर हिंदुस्तान में तो आपकी शादी में तकलीफ होगी। हाँ, इसलिए तो मैं अपने स्वीट हार्ट को लेकर हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। नमस्ते, आप वापस नहीं आएंगे? नो, हम वहीं रहेंगे। कहीं भी रहो, खुश रहो, मोहब्बत से रहो। मैं राजा राम मोहन और ये मेरी रानी पद्मिनी। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे चंद्रा कहते हैं और ये मेरी होने वाली बेगम रजिया। हाय, हेलो। और ये है मिस्टर, मेरा नाम उतेश। प्लीज टू मीट यू। ये मेरी बीवी रितु। हेलो, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? श्योरली, कम ऑन डार्लिंग। आइए।